हेलो स्टूडेंट्स आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग गुड लेट स्टार्ट टूडेज चैप्टर बोन्स एंड मसल्स बोन्स एंड मसल्स द ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ बोन्स एंड मसल्स बोन्स एंड मसल्स आर कवर्ड विद द स्किन आपको पता है जो ह्यूमन बॉडी हमारी जो बॉडी है वो बोन्स एंड मसल से बनी है एंड जो बोन एंड मसल्स हैं वो किससे कवर्ड होते हैं हमारी स्किन से राइट वेन वी प्रेस आर एल्बो वी फील समथिंग हार्ड अंडर द स्किन दिस हार्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोन अगर देखिए कभी भी आप अपनी जैसे अपनी एल्बोज को प्रे, प्रेस करेंगे तो आपको कुछ हार्ड आपको फील होगा है ना तो ये जो हार्ड स्ट्रक्चर है एक्चुअल में वो क्या है दैट इज बोन ओके देर आर टू हंड्रेड एंड सिक्स बोन्स इन आर बॉडी द पॉइंट एट विच टू बोन्स ज्वाइंट इज कॉल्ड अर जॉइंट ऑल द बोन्स टुगेदर फ्रॉम द स्केलेटन स्कैलेटिन अच्छा, में एक्चुअली आपके हैं टू हंड्रेड एंड सिक्स रिमेंबर और एक ऐसा होता है जहां पर आपके दो बोन्स मीट करती है यानी कि दो बोन्स आपकी ज्वाइन होती है एंड दैट पॉइंट इज नोन एज ज्वाइंट आपकी जो बोन्स है ना साथ में मिलकर बनाती है आपका स्कैलेटिन एंड इस स्कैलेटिन की वजह से हमारी बॉडी को एक शेप मिलता है सपोर्ट मिलता है राइट right? When we press our arm gently, we feel something soft and fleshy under our skin. These are muscles. There are uh, more than 600 muscles in our body. आर जब आप अपनी आर्म को अगर आप जेंटली प्रेस करेंगे तो आपको ना कुछ सॉफ्ट और फ्लैशीजा फील होगा स्किन के अंडर तो एक्चुअल में आपकी है मसल्स एंड हमारी बॉडी में है 600 से भी ज्यादा मसल्स हैं ओके okay? activities एक्टिविटीज डू डू ड्यूरिंग द डे यू स्टार्टी रन ईट प्ले स्लीप टॉक एंड डू मेनी अदर थिंग्स देखिए दिन के टाइम पर आप कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं आप आई एम श्योर आप पढ़ते होंगे है ना रन भी करते होंगे खाते हैं आप लोग आप खेलते हैं सोते हैं बातें करते हैं देर आर सो मेनी एक्टिविटीज वी शुड ड्यू ओके ओके देर इज अ क्वेश्चन क्विक क्विज हाउ मेनी बोन्स आर देर इन आर बॉडी हमारी बॉडी में कितने बोन्स हैं आपको मैंने अभी पहले भी बताया था ओके okay? तो अब इसका आंसर आपने खुद से कर दिया है यू यूज योर आर्म्स हैड आइज लेग हैंड्स एंड फीट टू डू दीज एक्टिविटीज तो मूवमेंट ऑफ दीज बॉडी पार्ट इज कॉज बाई बोन्स एंड मसल्स अच्छा अभी जितनी भी एक्टिविटी हम इनके टाइम पर करते हैं चाहे हम खेलते हैं चाहे हम भागते हैं ओके या फिर आप सोते हैं खाते हैं राइट तो इनके लिए आप अपने आर्म्स का अपने हेड आइज लेग हैंड्स एंड फीट इन सब का यूज करते हैं ओके तो ये जो मूवमेंट होता है हमारी बॉडी का ना वो किसकी वजह से होता है वो पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ बोन्स एंड मसल ओके सो देखिये यहां पर देखिए आपको एक फेस दिया गया है ये डॉट्स को ट्रेस करना है आपने उसको अलग करना है and then उसके जो नाम है पार्ट है ना वो आपको करना है देखने राइट नेक्स्ट बॉडी पॉस्चर पॉस्चर इज अ पोजिशन एंड विच वी कीप आवर बॉडी वेन विच सिट स्टार्ट और मूव

ओके okay, ये पोजीशन भी गलत है यानी ये जो पॉस्चर है ये गलत है दिस वन इज करेक्ट बिकॉज जब वो चल रहा है ना तो उसका जो बैक एकदम स्ट्रेट है ओके करेक्ट पॉस्चर इज नेसेसरी टू कीप आर मसल्स एंड बोन्स इन गुड शेप इट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड स्मार्ट अब करेक्ट पॉस्चर बहुत जरूरी है क्यों अपनी मसल्स एंड बोन्स को गुड शेप में रखने के लिए ओके okay? इसके अलावा आप बहुत ही हेल्दी भी रहते हैं ये हमें हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं एंड हम स्मार्ट भी दिखते हैं राइट right? Exercise. We must keep our bones and muscles strong, fit, and healthy to keep our body in good shape. Our bones and muscles become strong when we exercise regularly. Playing, walking, cycling, and running are some good exercises. Exercise helps all the parts of our body to stay fit and work properly. देखिए आप अगर चाहते कि आपकी बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग रहें आप फिट एंड हेल्दी रहें तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है ओके okay? तो हमारे जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारी बोन्स और मसल्स काफी स्ट्रांग रहते हैं तो जैसे आप खेलते हैं या वॉक करते हैं साइकिलिंग करते हैं रनिंग करते हैं ये भी आपकी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है ओके okay? इसके अलावा एक्सरसाइज हमारी सारी बॉडी पार्ट्स को हेल्प करते हैं फिट रहने में एंड देन दे वर्क प्रॉपरली ओके प्लेइंग मेक्स अ बॉडी स्ट्रांग एंड एक्सरसाइज मेक अब बॉडी स्ट्रांग तो देखिए अगर आप खेलते हैं ना ये सारी आप जैसे आपका जो एक्टिविटीज है लाइक स्विमिंग है साइकिलिंग अगर आप खेलेंगे तो आपकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी एंड ऑफ कोर्स एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी राइट स्टूडेंट अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए अपने बोन्स एंड मसल्स को हेल्दी रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलरली राइट अब चैप्टर की प्रैक्टिस आप लोग खुद से करेंगे